सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मदर ब्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, आपका भाई हो चुका है आलसी, यानी आलसी इनटू 100। इतना ज़्यादा आलस आ रहा है, क्या बताओ। होता है कभी कभी इंसान जो है लो फील करता है, वही दो तीन दिन से मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ। और अभी अपने निकल पड़े उदवाड़ा, क्योंकि मेरा बहुत करीबी जिगरी भाई आने वाला है, तो उसके वेट में मैं रुका था इतने दिनों से, 6 महीने से, और कल वो फाइनली आ गए। तो अपने जा रहे हैं उससे मिलने, आज थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे उससे। तो गाइस, एक चीज़ और आपसे शेयर करनी थी कि अगर आप वापी वलसाड़ से, तो प्लीज़ अपना हेलमेट पहन के निकलो, क्योंकि यहाँ पे हर चौराहे पे पुलिस आपको धर लेगी। क्योंकि यहाँ पे वापी में जो पुलिस ने आतंक मचा रखा है, अगर हेलमेट पहन के नहीं निकलोगे तो, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी है। पर फाइन तो लिया जाएगा आपसे भाई, अच्छा खासा। और साथ ही में गाइस, कमेंट करके बताओ कि ये जो आवाज़ सुन रहे आप, ये जो अलग सा एनोइंग साउंड आ रहा है ना, ये झूले जैसा, पुराने झूले जैसा, ये क्या है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कौन सेट मैंने अभी चेंज किया है रिस्टोरेशन के टाइम, और ये लास्ट संडे राइड के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नहीं मालूम मुझे क्या है, आप लोग कमेंट करो और बताओ मुझे ये आवाज़ क्यों आ रहा है। किसी के पास अगर सोल्यूशन है तो प्लीज़ सजेस्ट करो मुझे। और मैं अभी आ चुका हूँ फ़िलहाल बगवाड़ा, चलते अपने थोड़ा सा और दूर है अपने डेस्टिनेशन के। गाइस, आई डोंट नो यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, छोटे छोटे गड्ढे स्पेशली R15 में बहुत ज़्यादा फील होते हैं और हाथ दर्द देने लगता है। इसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, और ये छोटे छोटे गड्ढे भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बम्प्स में घुस गए अपने, नहीं मालूम क्यों। साथ ही में आजकल जो है कंटेंट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उतना ही मुश्किल जितना टिकटॉकर्स के लिए ये सोचना कि टिकटॉक वापस आएगा। कंटेंट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है यार, कुछ कंटेंट ही नहीं आपके भाई के पास। कुछ है कोई सजेशन आप लोग तो कमेंट करके बताओ कि क्या कंटेंट, किस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए। सो गाइस, वी आर फाइनली एट उदवाड़ा, और आपसे एक चीज़ शेयर करनी है कि मेरा जो 50% जो चाइल्डहुड है वो यहाँ पर गुजरा है। बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है, और ये अगर आप मैं सर्च करोगे गूगल पे उदवाड़ा के बारे में, तो यहाँ पे जो है पारसी लोग का हेरिटेज है, यानी वो लोग की होली फायर यानी अग्यारी में अभी तक जल रही है। जब से वो लोग बोल सकते हो इंडिया में आए, तब से वो लोग का होली फायर यहाँ पे जल रहा है। तो वो भी आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ किधर है, और साथ ही में बीच भी बताऊँगा आपको मैं। तो मैं यहाँ पे मतलब बहुत सालों से आ रहा हूँ, पर कभी आप लोग के लिए मैं जो है एक्सप्लोर नहीं किया है इसको, जब से यूट्यूब चालू किया हूँ। तो कभी वो भी मैं एक्सप्लोर करूँगा उदवाड़ा पूरा आप लोग को। तो ये बता देता हूँ मैं आप लोग को जो है होली फायर कहाँ पे लोग का इतने सालों से जल रहा है। सो गाइस, ये है अग्यारी, आप देख सकते हो ऊपर का डोम, और इसमें बहुत सालों से होली फायर जल रहा है इन पारसियों का। और ये मतलब पूरा बोल सकते हो हेरिटेज, यहाँ पे इंदिरा गांधी का घर भी है। और ये देख रहे हो आप, मतलब अभी शूटिंग अलाउड नहीं अंदर, मतलब आप अंदर जा नहीं सकते आप कोई भी रिलीजन के हो, खाली पारसी अंदर जा सकते हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख कोई नहीं, खाली पारसी अंदर जा सकते हैं। और अंदर क्या है मेरे को भी अभी तक मालूम नहीं, पर सब लोग बोलते हैं कि अंदर फायर है जो बहुत सालों से जल रहा है। और ऐसी बहुत सारी जगह है उदवाड़ा में विज़िट करने के लिए, इसलिए बाहर बाहर से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए, पर मैंने आज तक अभी आप लोग को एक्सप्लोर नहीं किया वो जगह। सो गाइस, फाइनली आ चुका हूँ मैं उदवाड़ा बीच पे, बहुत दिनों बाद इधर आया, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिली इधर आके, क्योंकि पूरा जो जगह है ना पूरा आप देख सकते हो शांत सा, यहाँ पे कोई जन नहीं है इधर, कोई मतलब एक भी पब्लिक नहीं है, दिल को ऐसा सुकून मिलता है खाली जगह पर बैठ के। मैं सोचा थोड़ा सा टाइम लैप्स लूँगा आप लोग को भी बताओ, पर कोई क्लाउडी वेदर है नहीं, आप देख सकते हो पूरा आसमान जो है साफ ही है, क्लाउडी नहीं, तो टाइम लैप्स लेके मतलब नहीं। तो आप लोग एक बार चेकआउट करा देता हूँ मैं कौन सी जगह पे हूँ और किस तरीके से दिख रहा है जगह। तो गाइस, यही पूरा सीनरी है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वहाँ पे जो है काम चल रहा है ये रास्ते का, अभी देख सकते हो आप पूरा जो है पूरा यहाँ से पूरा रास्ता बनने वाला है। और साथ ही में अपनी बेबी रिक्शा यहाँ पे खड़ी, आप देख सकते हो क्या लुक आ रहा है। तो इसी चीज़ की बात कर रहा था, जब सनसेट होगा सन डाउन होगा उस तरफ, और तब फोटो खींचने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखते हैं, अगर शाम तक रुका तो ज़रूर फ़ोटो खींचूंगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन मिस करता है। तो अभी अपनी बेबी रिक्शा इधर खड़ी, और मौसम थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। तो अभी देखते हैं, ये पूरा लुक देख लो आप एक बार, और हो सके तो मैं टाइम लैप्स डाल दूंगा, अगर सनसेट तक मैं रुक गया तो सनसेट का जो है टाइम लैप्स डाल दूंगा इधर, क्योंकि मोस्टली क्या होता है इधर जो है शाम को बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाती है। तो
यही पूरा सीन है इधर। सो गाइस फाइनली जो इवनिंग हो चुकी है वहाँ पे आप देख सकते हो सनसेट हो रहा है, तो एक जो अपनी तमन्ना थी कि सनसेट के साथ अपनी बाइक का जो है फोटो खींचना है वो भी आज पूरी हो जाएगी, और साथ ही में वहाँ पे आप लोग के लिए जो है टाइम लैप्स रिकॉर्ड हो रहा है, और ये वो भाई है जिससे मैं मिलने आया था, तो तब तक के लिए आप जो है टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो गाइस सनसेट हो चुका है और एक दो पिक्स आप लोग चेकआउट कर लो जो मैंने क्लिक किया है। तो गाइस ऐसी सारी इंटरेस्टिंग पिक्स जो है मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ, तो जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करो, साथ ही मैं आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो गाइस अभी तक का वीडियो देख लिया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। चलो गाइस इस वीडियो को देरी एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, वेयर हेलमेट, पीस आउट।